बाद इन आयतों तो किया जो मजमून है उन्हें मैंने अपने नशे के अंदर बिल्कुल ना मस्त कर दिया। ऐसा बयान अल्लाह पाक ने इस मौका से किया ये बंदा इन पढ़े तो फिर वजद ना करे तो कोई हार नहीं होता। जे नहीं समझ आती वक्री कर अल्लाह ने समझाने की हद कर दी। ये बयान इस तो मैं कर रहा इस उमरे के मौका से मक्का मुअज्जमा के नाल ही दो मठ बने हुकूमत ने दो अजायब घर बनाते ये नवा मौका मिले वे बच्चे अली की वसात ना सी उत्ते पहुँचे एक वड्डा अजायब घर है जो पुरानिया चीज़ा भी जड़िया अरब चो कितने मिली बर्तन हथियार हड्डियाँ वह भी है सारे मस्जिदों का भी है वह बहुत वड्डा एक सिर्फ जरा सिर्फ हरमैन शरीफ है जो मस्जिद नबी मस्जिद मक्का ये जदों तो बनिया तब्दीलियां हुई सारा जो कुछ अंदर दो अजायब घर है मतलब तो बड़ा जड़ा है वो अंदर एक पत्थर जरा 80 हिजरी के करीब का बहुत पुराना यानी पहली सदी उस जमाने का पत्थर है और वो एक आदमी यह शेर लिख गया जड़ा मेरे दिल उस बैठ गया। तद मैं इस आयत को चुनिया मैं यसल नास यहरमू हो वसायल अल्लाह लाखी जड़ा बंदियां को मंगूगा बंदे उन्हों खाली मोड़नगे वो पल्ले कुछ नहीं पाउंगे सौ ताना देंगे जवाब देंगे मैं यसल नास यहरमू बंदे महरूम कर देंगे वसायल अल्लाह लाखी और जो अल्लाह को मंगूगा कभी खाली हथ नहीं लौटूगा तो चौड़ियाँ पढ़िया होनगियाँ यकीन जानो कुरान मजीद ही दुआई देंदा और ये बारे च ही शैतान ना मुराद सानू वसन साहब का शिकार करता वे तेरा रब कोई नहीं सुनता तेनों बनाने तो बाद लापरवाह हो गया कितने सौ गया हो तू मुसीबत और दुखों फड़िया कदम कदम से तेनों जरूरत है हर इंसान वेखता वे परेशानियां किरिया तरह तरह की अपनिया औलाद दियाँ माली दानी मगर उन्होंने कोई मददगार नहीं मिलता और कह वाले कहते यार अल्लाह ने भी इन्ना पुकारिया कोई नहीं नजर आया हालांकि यकीन जानो अल्लाह ताला के बारे च तो वड्डा जुर्म ही कोई नहीं भी ना उम्मीदी का शिकार हो जाए मेरा रब नहीं सुनता क्यों नहीं सुनता भी उन्होंने तेरे हालात की खबर नहीं इनकार कर क्यों दुनिया के हालात तो बेखबर है ऐसा हक मैं जिन्होंने पता ही नहीं मेरी सल्तनत की हो रहा बे कुल्ले शह ना रेन किस तरह होया हर शह में जानने वाला कितने वैन दाऊ मफात सूरा राम दा मैं रब एक पत्ता डिगदा मैं उन्होंने भी जानना जमीन की तह च कोई दाना मेरी नज़र चो भी है तू मेरे बारे च ख्याल कर रहा मैनू कोई नहीं पता मेरे बंदे ना की बनी एडा वड्डा कुफर बदगुमानी के रब ही और कुछ लोगों ने अल्लाह ताला बयारिश दे होने इस तरह का बयान किया जैसे अल्लाह ताला किसी दूर दराज इलाके जाके बह गया दारुल इस्लाम से उन्होंने की पता दुनिया की हो रहा उन्हें नायब बनाते कमिश्नर या डीसी औलिया कुतुबदार वो लोगों से कम कर रब न की कर ऐडे काफर निकले अल्लाह नू बेखबर बना के ना वो सारी हुकूमत तकसीम कर बैठा के अर्श पर रखा है तू नया वाज खुदा वो क्या है जो बंदों से एतराज करे पैदा करके सानू लुक जाए उस खुदा नू मानदा की फायदा ये खुदा है नहीं यहोजा तदे अल्लाह ने आख्या वालेकुम अल्लाह रब्बुकुम बयान कर क्या ये है अल्लाह तुम्हारा फड़ के करने आख्या ए खुदा जिस तेन बनाया तो तू मुकाबला च पै गया कि उन्होंने खबर ही कोई नहीं और अगर खबर है तो समझ लिया आजज है बेबस है कुदरत नहीं कर कुछ नहीं सकता ए मैं वजह बयान कर रहा मंतकी लॉजिकल इन्हों चो कोई गल बनाओ तो दुआ रद्द होगी ना या जानता नहीं या कर नहीं सकता या बेरहम ज़ालिम है कि उन्होंने बंदियों की मुसीबत कोई हमदर्दी नहीं इस तो अल्लाह पाक फरमाता ज़ुल फज़ल अज़ीम इन्ने फजल का मालक खुदा जदों तेरी दरखास्त ही कोई नहीं आयतों की बयान फरमाया मैं जदों तुहानू बनाया तुहानू पता सी सानू की लोड़ा पैनी उस वेले भी लुत्फे गुफ्ता है ना गुफ्ता है मामेश असी कोई दरखास्त नहीं की मगर अल्लाह जानता सी मैनू चाहिए उस वे दे रहा मां के पेट से दिता रहा बाद जी तेरे आने तो पहला इंतजाम करता दो इतने लाते पुस्तान बे आना चूसना शुरू कर और तेन मत भी देती बेदा मूँह च पा ला ऐसा खुदा जरा मां के पेट तेन खून की गदास दिता रहा तेरी फिक्र नहीं छी है मां ना बू दे मतका दाए ना बू साडा तो नामो निशान ही नहीं साड़ी तरफों कोई सवाल नहीं खुद जरूरत जानता।